बहुत बहुत स्वागत है आपका मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं रवा उत्पम। उत्पम बनाने के लिए लिए है 1 कप सूजी, 1 कप दही। दही और सूजी को अच्छे से फेंट लेंगे, साथ ही 10 मिनट आराम करने के लिए छोड़ देंगे। अब लेंगे 2 मीडियम साइज आलू जिन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू डालने से क्रिस्पी हो जाएगा। साथ ही लेंगे 1 सूती कपड़ा, कद्दूकस किए हुए आलू को निचोड़ लेंगे। उंगलियों से दबा दबा कर अच्छे से पानी निकाल लेंगे। अब फ्राई करने के लिए लेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, इसमें जाएगी 1 चम्मच राई दाना, आधा चम्मच जीरा। जीरा राई दाने को अच्छे से फूटने देंगे। अब ऐड करें 8 से 10 कड़ी पत्ते, साथ ही जाएगी लंबी कटी हुई प्याज, किसा हुआ अदरक। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे ताकि उत्पम और भी स्वादिष्ट बन सके। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब डालेंगे कद्दूकस किए हुए आलू। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों को पका लेंगे। 1 मिनट के करीब पका लेंगे। अब जाएंगे इसमें कुछ सूखे मसाले, आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें 1 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे। बैटर को और थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अब इसमें जाएगा फ्राई किया हुआ मिश्रण। अब डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से सभी सब्जियों को बैटर में मिला लेंगे। अब हल्के गर्म तवे पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि उत्पम चिपके ना। चमचे की मदद से फैलाते हुए गोल कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे ताकि नीचे से प्रॉपर सिक सके और क्रिस्पी हो सके। उलट पुलट करके दोनों तरफ से करारा कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी तेल लगा लेंगे। सूजी का उत्पम बनकर तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही मिक्स रसोई रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। साथ ही हमें कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।